गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई एम संदीप कुमार सेन और आज हम हमारा अगला जो क्रॉप है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ रेडिस यानी कि मूली के बारे में पढ़ेंगे। रेडिस जिसका बॉटनिकल नेम है रेफिनस सटाइवस, फैमिली है क्रूसीफेरी, क्रोमोसोम नंबर है 2 = 18। मूली वर्ग की सब्जियों में मूली का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती संपूर्ण भारत में की जाती है। रेडिस इज अ पॉपुलर रूट क्रॉप थ्रू आउट इंडिया। रेडिस आर यूजफुल एज इंटरक्रॉप और कंपेरिजन प्लांटिंग बिटवीन रो और प्लांट और स्लोअर ग्रोथ। इसकी इसे खेतों या गृह वाटिका यानी कि किचन गार्डनिंग में अकेले या दूसरे फसलों के साथ भी उगाया जा सकता है। यह तीव्र गति से बढ़ने वाली सब्जी है। इसके बोने के कुछ सप्ताह बाद ही इसे उपयोग किया जा सकता है। मूली में जो एक चरपराहट होती है या उसमें जो मूली खाते हैं तो एक अजीब सा स्वाद हमको महसूस होता है, वो होता है मिथाइल आइसोथायोसाइनेट की उपस्थिति के कारण। मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। मूली की जड़ों का उपयोग पकाकर खाने, सैलेड, मुरब्बा, पिकल्स आदि के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पत्तियों को सलाद के रूप में अथवा भाजी, हमारे छत्तीसगढ़ में उसे भाजी के रूप में बनाकर भी खाया जाता है। पशुओं को चारे के रूप में भी इसको खिलाया जाता है। ओरिजिन देखते हैं। मूली के इतिहास एवं उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है या मतभेद है, लेकिन ओरिजिन इसका यूरोप और एशिया कहा जा सकता है। मूली की उत्पत्ति केंद्रीय और पश्चिमी चीन भारत में हुई है। मूली के पौधे भूमध्य सागर क्षेत्र मेडिटेरियन रीजन में अभी भी जंगली रूप में उगाए जाते हैं। इन इंडिया भारत में मूली का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम और गुजरात में किया जाता है। न्यूट्रिशन वैल्यू। स्वास्थ्य की दृष्टि से मूली मानव के भोजन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे कच्चे सैलेड के रूप में, सब्जी बनाकर भी, पिकल्स के रूप में, पराठों के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इसमें नमी, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, थियामिन, विटामिन सी, विटामिन ए, कैलोरी, इन सब न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। अब देखें वैराइटीज़। रेडिस रूट वेरी ग्रेटली इन साइज एंड कलर एज वेल एज द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच दे रिमेन एडिबल। द रेडिस वैराइटी आर डिवाइडेड ब्रॉडली। जो मूली की जो वैराइटी है उसको दो किस्मों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यूरोपियन और टेम्परेट टाइप और सेकेंड है एशियाटिक एंड सब ट्रॉपिकल। तो सबसे पहले देखते हैं एशियाटिक या सब ट्रॉपिकल ग्रुप। इसमें जो फर्स्ट वेराइटी हो जौनपुरी मूली, पूसा देशी, पूसा रेशमी, पूसा चेतकी, पूसा हिमानी, जापानीज वाइट, अर्का निशान, IIHR1, कल्याणपुर 1, पंजाब सफ़ेद, हिसार मूली 1 या नौदनी, ये जो है एशियाटिक वेराइटी हैं या ट्रॉपिकल ग्रुप्स के वेराइटी हैं। जौनपुरी मूली, इस किस्म का छिलका, ये जो वैरायटी वो 100 सेंटीमीटर लंबी होती है और 7 से 10 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। इस किस्म की मूली जो है वो 25 किलोग्राम तक की हो सकती है। इसका जो वेट है, जो फ्रूट मूली का रेडिस का वेट है वो 25 केजी तक भी हो सकती है। अगला जो वैरायटी पूसा देसी, ये जो है 30 to 35 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसके यह बोने के 50 से 55 दिन में तैयार हो जाती है, यानी कि आफ्टर सोइंग ये 50 to 55 डेज में रेडी हो जाती है। पूसा रेशमी, यह किस्म भी 55 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी जो जड़ें होती है वो 30 to 35 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अब देखते हैं पूसा चेतकी, ये जो है वो बोने के 40 से 45 दिन बाद इसकी फसल जो है तैयार हो जाती है। जड़ें जो है 15 to 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। मैदानी क्षेत्रों में इसे अप्रैल के अंत से अगस्त के शुरू तक यानी अगस्त के स्टार्टिंग तक बोया जा सकता है। अप्रैल के अंत और अगस्त के शुरू तक इसे खरीफ में भी उगाया जा सकता है। पूसा हिमानी, ये बोने के 60 दिन बाद इसकी फसल जो है तैयार होती है और मैदानी क्षेत्रों में इसे दिसंबर से फरवरी तक बोने के लिए उपयुक्त किस्म है। दिसंबर टू फरवरी तक इसको हम बो सकते हैं मैदानी एरियों में, जबकि पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, हिल्स एरिया हैं, उसे इसे पूरे साल तक उगाया जाता है। जैपनीज वाइट, इस किस्म की मूली जो है 15 to 22 सेंटीमीटर तक लंबी होती है
और ये जो फसल है वो बीज बोने के 45 दिन बाद आफ्टर सीड सोइंग 45 डेज में ये फसल जो है तैयार हो जाती है, और इसे 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक हम बो सकते हैं। इसका जो सोइंग टाइम है वो 15 अक्टूबर टू 15 दिसंबर तक हम इसको बो सकते हैं। अर्का निशांत, यह किस्म जो है मूली सफ़ेद 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, और यह भी बोने के 45 दिन बाद खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसमें एक रेजिस्टेंस वैरायटी है, यह वाइट रस्ट श्वेत रतुआ, जो वाइट रस्ट जो डिजीज़ है उससे यह रेजिस्टेंस वैरायटी है। अगला जो वैरायटी है वो IIHR1, ये जो रेडिश है या मूली है 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अब यह बोने के 45 डेज बाद खुदाई के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और यह भी वैरायटी है जो है वो श्वेत वाइट रस्ट जो डिसीज है उससे रेजिस्टेंस होती है। अगला कल्याणपुर वन और पंजाब सफ़ेद और हिसार मूली नंबर वन। अब देखते हैं यूरोपियन या टेम्परेट ग्रुप, यूरोपियन या शीतोष्ण समूह की जो वैरायटीज़ हैं उसमें है वाइट आइसिकल, रैपिड रेड वाइट टिंड, स्कॉलरेट ग्लोब या पुषा हिमानी, ट्रॉपिकल टाइप पुषा देसी, पुषा हिमानी जो है और टेम्परेट टाइप में आते हैं। वाइट आइसिकल, यह किस्म जो है मूली जो है वो 30 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी जड़ें सीधी बढ़ने वाली होती है। रैपिड रेट वाइट टिंड स्कारलेट ग्लोब, स्कारलेट ग्लोब जो है वह अगेती किस्म है या एयरली वैरायटी है, जो बोने के 25 डेज में ही तैयार हो जाती है और यह खाने में अत्यंत स्वादिष्ट होती है। अब देखते हैं क्लाइमेट, रेडिश इज अ टॉलरेंट टू हीट, द डेवलप इट्स फ्लेवर टेक्सचर एंड साइज, द कूल सीजन द टेम्परेचर बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड आर रिक्वायर्ड, वैरायटी डिफर इन देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। मूली को सभी प्रकार के मौसम में उगाया जा सकता है। इसकी एशियाई जो किस्म है, एशियाटिक जो वैरायटीज है उसे ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि यूरोपियन जो किस्म है, यूरोपियन जो वैरायटी है उसको कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम टेम्परेचर। पूसा चेतकी किस्म जो है अपेक्षाकृत अधिक तापमान को सहन करने की विशेष क्षमता रखती है। जो पूसा चेतकी जो वैरायटी है वो हाई टेम्परेचर तक को सहन कर सकती है, उसमें सूटेबल रहती है। परंतु अधिकांश जो किस्में हैं वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान को भली भांति में उगती है। अधिक तापमान वाले मौसम में जड़ें कठोर और अत्यधिक चरपरी हो जाती है, जो खाने योग्य भी नहीं रहती हैं। अब देखते हैं सॉइल, रेडिश इज ग्रोन इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल बट लाइट फेरिएबल सॉइल इज कंसिडर्ड बेस्ट, सैंडी लोमी सॉइल विथ हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस इज डील, इट कैन ऑल्सो बी ग्रोन फेयरली ऑन एसिड सॉइल, हैवी सॉइल प्रोड्यूस रफ इल शेप्ड रूट विथ नंबर ऑफ स्मॉल फाइब्रस लेटरल विच डिक्रीज मार्केट वैल्यू, द समर क्रॉप इज प्रिफेरेबली ग्रोन ऑन कूल मॉइस्ट सॉइल सच एस स्लीटी लोम। मूली को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु जो भरपूर उपज के लिए उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट मृदा इसके लिए बेस्ट होती है। मटियार दोमट मृदा मूली के सफल उत्पादन हेतु अनुपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ऐसी मृदा में मूली की जड़ों का विकास और बढ़वार भली प्रकार से नहीं हो सकता है। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, भूमि की तैयारी जो हम एज वेल एज जो हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उसमें करते हैं, इसमें भी हम वैसे ही करते हैं। जो पहली जुताई है, जो गहरी जुताई है, वो ट्रैक्टर या मिट्टी पलटने वाले हल से, फिर ढेले नहीं रहने चाहिए, उसमें कल्टीवेटर या रोटोवेटर चला के मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। इसमें फोर्किंग की जाती है, भूमि के ढेले रहने, क्योंकि ऐसी स्थिति में जड़ें होती रहती हैं उनमें द्वितीयक जड़ें विकसित, जिन्हें फोर्किंग की संज्ञा दी जाती है। तो 2-3 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए, प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा चढ़ा देना चाहिए। टाइम ऑफ सोइंग एंड सीड रेट देखते हैं, बीज की मात्रा, मूली के बीज की मात्रा उसकी किस्म, बीज का आकार, बोने की विधि पर निर्भर करती है। यूरोपियन और एशियाई जो किस्म है उसमें क्रमशः 10 से 12 और 8 से 10 यानी कि 10 to 12 एंड 8 to 10 kg शीट पर हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बीज समतल भूमि में बोने के बजाय डोलियों पर या रीज एंड फेरम मेथड्स पर बोने से कम लगता है। अगर मिलुआ फसल यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम अगर अपनाए तो उसमें बीज की आधी मात्रा लगती है। रेडिश इज सोन ऑन रिज स्पेसिंग
वेरियस विद द वेराइटी टेम्परेट टाइप बिकम्स रेडी 25 to 50 days। बीजोपचार, बीज को बोने से पूर्व फफूंदी नाशक या फंगीसाइड से जैसे थायराम, बाविस्टीन, विटावैक्स 3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से हम उसको सीड को ट्रीट करते हैं। परीक्षणों से पता चला है कि बीजों में नाइट्रिक एसिटिक एसिड 10 to 20 ppm या जिब्रेलिया एसिड 5 to 10 ppm घोल में अगर भिगोया जाए तो उसमें अंकुरण बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही जो यील्ड है उपज में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, हमें अत्यधिक उपज मिलती है। अब बुआई का समय देखते हैं, टाइम ऑफ शोइंग। मूली को साल भर उगाया जा सकता है, फिर भी जो कमर्शियल रूप से इसे मैदानी क्षेत्रों में सितंबर से जनवरी तक, पर्वती जो क्षेत्र है, हिल्स जो एरिया है उसमें मार्च टू अगस्त तक इसे बोया जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ किस्म के आधार पर इसे कब बोते हैं। पूसा देसी जो है मध्य अगस्त में बोया जाता है, पूसा रेशमी मध्य सितंबर में, जापानी वाइट जो है मिड अक्टूबर में, पूसा हिमानी मिड सितंबर में, पूसा चैतकी है वो मार्च के अंत तक बोया जाता है। अब बोने की विधि, आमतौर पर मूली की बुआई कई प्रकार से की जाती है, समतल क्यारियों में भी या रीजन फेरो मेथड से भी करते हैं, लेकिन समतल क्यारियों में 4.5 x 3 meter डिस्टेंस आकार की क्यारियां बना ली जाती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई नालियों का भी निर्माण किया जाता है, ड्रेनेज सिस्टम भी रखा जाता है, इरीगेशन सिस्टम के लिए भी नालियाँ बनाई जाती है। एशियाई किस्मों को पंक्तियों और पौधों की आपसी दूरी, जो एशियाई जो वैरायटी है उसके लिए हम स्पेसिंग लेते हैं 30 x 10 cm, 30 × 10 cm रखते हैं, और जो यूरोपियन जो किस्म है, यूरोपियन जो वैरायटी है उसके लिए हम 25 × 4 to 8 cm तक हम स्पेसिंग रखते हैं। बीज 5 to 10 दिन में अंकुरित हो जाती हैं। समतल खेत की अपेक्षा जो ओरिजन फेरोमेटो बुआई करने से जड़ों का विकास और बढ़वार अच्छी तरीके से होता है। बीज को 2 to 2.5 cm अधिक गहरा नहीं बोना चाहिए। जो सीड जो हम सोइंग करते हैं उसकी जो डेप्थ है वो 2 to 2.5 cm तक रखते हैं, ज़्यादा हम अंदर तक डेप्थ तक सीड को नहीं सोइंग करते हैं। लगातार फसल प्राप्त करने हेतु 8 से 18 दिन के अंतर बुआई करें। अब देखते हैं मैन्यूरिंग। रेडिस इज द एवरेज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन जुडिशियस यूज ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर हाईली नीडेड फॉर इट्स प्रोडक्शन। 120/60/120 ऑफ NPK अलॉन्ग 30 kg ऑफ MGO विल बी जनरली सफिशियंट एंड बेसल ड्रेसिंग ऑफ 20 to 45 tons will decompose. FIM is to be added when the time of soil preparation. क्योंकि मूली जो है शीघ्र तैयार होने वाली फसल है, तो इसे उचित मात्रा में और उचित समय पर खाद और उर्वरक देना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार 200 क्विंटल उपज देने वाली फसल एक हेक्टेयर में जो है वो 120 kg नाइट्रोजन, 65 kg फॉस्फोरस, 100 kg पोटास भूमि में ली जाती है। मृदा जांच के उपरांत खाद और उर्वरकों का उपयोग करना नितांत आवश्यक होता है। गोबर की खाद प्रथम जुताई के पूर्व खेत में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुलाई के समय भूमि में डाल देना चाहिए। शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो जड़ों के विकास के समय ऊपरी वेशन यानी कि टॉप ड्रेसिंग के द्वारा हम भूमि में देते हैं। कानपुर में मूली की कल्याणपुर नंबर 1 की जो किस्म है वो 80 kg पर हेक्टेयर और 60 to 45 cm की दूरी पर लगाने से 1.17 टन बीज उत्पादन मिला, उससे सीड जो है प्रोड्यूस हुआ। सिंचाई एवं जल निकास देखते हैं। मूली की भरपूर उपज प्राप्त करने के लिए भूमि में अधिक नमी न हो और न ही कभी कभी शुष्क हो। मूली की सिंचाई उसकी उगाई जाने वाली फसल भूमि की और मौसम के ऊपर भी निर्भर करती है। जर्मिनेशन के टाइम 15 से 20 दिन बाद पौधे को इरीगेशन देना चाहिए, अतः इस समय सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। वर्षा ऋतु में वर्षा नियमित रूप से होती रहती है तो सिंचाई करने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि काफ़ी लंबी अवधि तक वर्षा ना हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर देनी चाहिए। गर्मियों में 4 to 5 days इंटरवेल पर और विंटर सीजन में 10 to 15 days इंटरवेल पर हम इरीगेशन करते रहते हैं। जहाँ मूली की सिंचाई इतनी आवश्यक है वहीं पर पानी को अधिक समय तक ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम का होना नितांत आवश्यक है, वरना हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो रेडिश है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग। मूली की खुदाई उसके उगाई जाने वाली किस्मों पर
निर्भर करती है। आमतौर पर मूली की जो एशियाई जो किस्म है वो 40 दिन बाद खाने योग्य हो जाती है और यूरोपियन जो किस्म है वो 20 दिन बाद खाने के लिए योग्य हो जाती है। मूली की उचित समय पर खुदाई करना नितांत आवश्यक है, अन्यथा जड़ें जो है वो कठोर हो जाती हैं और उसका जो बाजार भाव है वो बहुत कम मिलता है। मूली की उपज उखाड़ने की अवस्था के अनुसार उपज 50 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर तक मिल जाती है। उषा हिमानी नामक जो किस्म है वो 392-470 क्विंटल तक उपज मिल जाती है, जबकि शरद ऋतु में जापनीज वाइट जो वेराइटी है वो 525 क्विंटल तक उपज देती है। अब देखते हैं सीड प्रोडक्शन, मूली का सीड प्रोडक्शन। मूली की एशियाई किस्मों के बीज मैदानों में यूरोपीय किस्मों के बीच पर्वतीय क्षेत्र में तैयार किए जाते हैं। जापनीज वाइट नामक किस्म मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक बीज उत्पादन देती है। मूली का बीज निम्न दो विधियों से किया जाता है। फर्स्ट, मूली को खेत में ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे उसमें फूल आते हैं और बीज बनते हैं। इस विधि को बीज कहते हैं। इस विधि में बीज की उपज अधिक होती है। सेकंड है, जड़ों के नीचे का 1/3 भाग अलग कर देते हैं। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में दिसंबर में इन जड़ों को 75 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। कुछ समय उपरांत इसमें इनफ्लोरोसेंस विकसित होते हैं और बीजों का निर्माण होता है। मूली जो है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, अतः प्रमाणित बीज यानी कि सर्टिफाइड सीड जो है 100 मीटर और फाउंडेशन सीड जो है 1600 मीटर का एक आइसोलेशन डिस्टेंस में रखा जाता है। फलियों को कुछ समय तक छाया में सुखाकर उनका बीज अलग कर लेते हैं। बीजों की उपज किस्म फूल आने का समय मधुमक्खियों की गतिविधि के अनुसार 250 से 280 केजी किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड हमें मिल जाती है। तो ये तो था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ रेडिश के बारे में हमने पढ़ा। कुछ भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।